दोस्तों, आज शाम से ब्लॉग स्टार्ट किया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आलस बने में इतनी महारत हासिल करती जा रही हूँ। कुछ कुछ मंगा के खा रही थी। इतना जंक फूड दुनिया में है, सब खा जाऊंगी ऐसा लगता है। रोज कुछ ना कुछ अनहेल्दी खाती हूँ और सोचा करती थी कि मेरे ऊपर तो किसी चीज का असर नहीं होता है, देखो मैं सब कुछ खा सकती हूँ। लेकिन अब मेरी डबल चिन निकलने लगी है, पेट निकलने लगा है और मैं भी बाकी दुनिया के जैसे उस सर्किल के अंदर आ चुकी हूँ जिसमें लोग अपने मोटापे से परेशान है। मैं तो पतली हो नहीं पाऊंगी क्योंकि इतनी मेहनत करनी। कितनी अजीब सी बात है, पतले होने के लिए कितनी मेहनत लगती है और मोटे होने के लिए बस बढ़िया सी चीज खा लो। दोस्तों, इंसान खाता तो है लेकिन गिल्टी भी फील करता ही जाता है। मतलब खुद को कोस रही थी लेकिन फिर याद आया कि हस्बैंड भी तो पार्टी कर रहे हैं। हस्बैंड की पार्टी से याद आया कि उनके पास कौन कौन होगा, मतलब लड़के होंगे कि लड़कियां होंगी। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो ठंडक शुरू हो गई है इसीलिए आलसपना भी शुरू हो गया है। दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि जैसे जैसे सर्दियां शुरू होगी अपना चैलेंज कंप्लीट करने में बड़ी आफत आएगी। होती है स्ट्रगल, इसी को कहते हैं। और जब तक गर्मी आती तब तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन अब सुबह उठने में मुझे बहुत नींद आती है लेकिन फिर भी मैं उठ जाती हूँ। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं बड़ी शिद्दत से अपना चैलेंज कंप्लीट करने वाली। तो जब आप अपने गोल पे काम करते हो आपसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती है और बहुत कुछ आप सीखते हो और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो। जरूरी नहीं है कि आपने जो सोचा है एग्जैक्टली वैसा ही तुरंत हो जाए, लेकिन समय आने पर वैसा हो जाता है। बट उसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपकी लाइफ में होने लगती है, जैसा मेरे साथ भी होने लगा है, जो कि मैं अभी शेयर नहीं कर सकती। बट विद द टाइम मैं करूंगी, जरूर करूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चल रहा है। तो मैं सिर्फ उतना ही शेयर करती हूँ जितना कि मेरी अंतरात्मा मुझे अलाउ करती है। बहुत कुछ बताने से दुनिया मजाक उड़ाती है, इसलिए मैं सब कुछ तो अभी नहीं बताऊंगी। दोस्तों, थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हो रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि मुझे तो इतनी भी उम्मीद नहीं रहती है और उससे ज्यादा ही व्यूज आ जाते हैं। थैंक यू सो मच। लोग बहुत प्यार भी कर रहे हैं और भले सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो देखने के लिए जरूर आते हैं, तो उन लोगों को भी थैंक यू। सब्सक्राइबर को तो थैंक यू है ही। और अब से मैं अपने सब्सक्राइबर्स का नाम भी लूंगी, कहीं भी ले सकती हूँ व्लॉग के कहीं पे भी बीच में लूंगी। इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, जिन लोगों ने शो कर रखा होगा उनका नाम मुझे पता चल जाएगा, नहीं शो रखा होगा तो शो कर दो। प्रशांत दीक्षित, तो आज हस्बैंड ने पहले से बोल के रखा है कि वो पार्टी से लेट आएंगे और वो कब तक आएंगे मुझे भी नहीं पता। कुछ कुछ तो खाती जा रही हूँ, पूरा मील तो नहीं खाऊंगी, थोड़ा थोड़ा सा खा लूंगी क्योंकि मेन मील तो हस्बैंड के साथ ही खाती हूँ। तो आज मैंने चिकन बनाया है रोज की तरह, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस तो मैं करती रहती हूँ। और एक्सरसाइजेस का तो मेरे ऊपर कोई असर हो नहीं रहा है, कितना भी करूं मैं खाती हूँ। क्योंकि सुबह 5 बजे उठने के बाद, हालांकि जल्दी उठती हूँ और 5 बजे तो वीडियो आती है, उसके बाद मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती हूँ हस्बैंड के साथ और फिर खा लेती हूँ कुछ भी नॉन हेल्दी सा। मतलब भूख लगती है मुझे इतनी ज्यादा कि अगर सुबह आप मुझे छोले भटूरे खिला दो या बिरयानी खिला दो तो मैं उसको खा लूंगी और दूध नहीं पीऊंगी और फ्रेश चीजें नहीं खाऊंगी। मैं गड़बड़ हूँ। लेकिन दोस्तों, आज सच बताऊ एक्सेप्ट करूंगी कि आज मैंने सुबह से कुछ खास किया नहीं है। स्टोरी पे काम तो कर रही थी, एक आध दिन मैं दूसरे चैनल पे स्टोरी भी डालूंगी, उसमें टाइम बहुत लगता है। बेसिक जितना भी स्टोरी के पीछे वाला काम होता है, सॉन्ग्स को डाउनलोड करना, उसका माहौल बनाना, वो भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यूट्यूब तो हर चीज पे कॉपीराइट मार देता है, फिर मैं क्या करूँ। दोस्तों, आज का व्लॉग मैं इतना ही रखूंगी क्योंकि मुझे कुछ कुछ काम है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं और तब तक के लिए लव यू।